गहरी नींद से सोई हुई सरकार है। हम इसको जगाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, जितने प्रदर्शन हमने किए शायद ही कोई पीएचई का डिपार्टमेंट कोई बिना कोई कर सकता होगा। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि डिपकॉम जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जल्दी से जल्दी हम अपना मसला आपका हल कर देंगे, और उन्होंने आज 2 महीने हो गए वो मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और सरकार और ये डिपकॉम जी हमारे पीठ पर छुरा मारा हुआ है, उन्होंने हमें गुमराह किया है। उन्होंने इसको इनको बताने के लिए हम 22 तारीख को हम डिपकॉम का घेराव करेंगे, उनको बताएंगे कि पीएचई वर्कर क्या कर सकते हैं। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना एक ऐसा सलाब आने के लिए आ रहा है। आगे की जो रणनीति होगी डिपकॉम के बाद जो रणनीति होगी बहुत बड़ी होगी, इसको सामने का मौका सरकार को बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार को क्या कहें, भाजपा सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी सोई हुई है। कमेटी अगर करना चाहती थी तो आज तक वो कमेटी अपना काम कर सकती थी, और कमेटी ने बिल्कुल काम नहीं किया है। हम सरकार को और भाजपा सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आप इलेक्शन से पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, अगर आप रेगुलेशन पॉलिसी दोगे हम आपको कंधे में बिठाकर पूरे जम्मू का फेराव कराएंगे। अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आपको लखनपुर के पार्क पहुंचाएंगे, ये पीएचई वर्कर्स का वादा है। और हमने कसम खाई हुई है एक वोट नहीं डालेंगे अगर इन्होंने हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी। एलजी सरकार को हम जब बताना चाहते हैं आप जो भी करना है कर लीजिए, ये गरीब वर्कर गिरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, मर जाएंगे बिल्कुल डरेंगे नहीं ये, और जो कहेंगे वो करेंगे। और आपने जो करना है वो कर लीजिए, कैसे चूल्हा चलाएंगे जी, कैसे खाना खाएंगे जी। ये गरीब वर्कर हैं, इनको दूध लेने के लिए पैसे नहीं है, राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को हमारे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, शर्म आनी चाहिए एलजी सरकार को जो हमारे इन गरीबों को सता रहे हैं। और इनको हम जो बताना चाहते हैं आप जितना जो करना है कर लीजिए, जितना दबाव हमारे पर डालेंगे हम उतना ही उठने की कोशिश करेंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी बिल्कुल ही नहीं हो। जो सरकार ने हमारे पर बायोमेट्रिक लगाई है हम उनका स्वागत करते हैं, हम बायोमेट्रिक लगाने वाले हैं, हम ड्यूटी देते हैं, हम ऐसे डरने वाले नहीं है, भागने वाले हम चोर नहीं है कि ड्यूटी नहीं देते हैं, हम ड्यूटी देते हैं, हम बायोमेट्रिक लगाएंगे। हम सरकार को यह प्रावधान भी करना चाहिए कि स्टेशन बाय स्टेशन पर हमारी जो मशीन है वो लगानी चाहिए, वाईफाई इनको लगाना चाहिए, नेट की सुविधा इनको करनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो हम बायोमेट्रिक लगाएं। भाजपा वाले पता नहीं क्या समझते हैं, कोई बोलते हैं कि हम 50 पार हो जाएंगे अगर डेली वेजर को परमानेंटली करें 61 हज़ार डेली वेजर है। ये पता नहीं इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है बात की 61 हज़ार डेली वेजर हमें वोट नहीं करेगा तो हम 50 पार कैसे करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि हमें 50 पार चाहिए तो डेली वेजर का पहले इनको काम करना पड़ेगा, डेली वेजर के काम करने के बिना, क्योंकि 61 हज़ार फैमिलियों का मसला है। अगर ये हमारे परमानेंट, हम जैसे हमारे जी ने बोला कि कंधे बिठा के इनको घुमाएंगे पूरे जम्मू में, अगर नहीं किया तो 5 बार भी नहीं जाएंगे, इनको समझना चाहिए। डेली वेजर जो लगातार 177 दिनों से हड़ताल पर हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसी तरह का कोई संज्ञान इन तमाम पीएचई डेली वेजर्स को लेकर नहीं लिया है, और आज एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स ने मोर्चा खोल दिया है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, और लगातार रणनीति पर रणनीति इनकी तरफ से तैयार की जा रही है। और अगली रणनीति जो इन्होंने तैयार की है वो ये है कि 22 तारीख को यहाँ जम्मू में डिपकॉम का घेराव किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम जो सुनते आ रहे हैं कि एक 5 मेंबर की कमेटी बीजेपी ने बनाई है, एक कमेटी जो है वो डिपकॉम साहब ने बनाई है, लेकिन अभी तक इन दोनों कमेटियों को लेकर बात करें तो कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अब इनके परिवारों में इनका चूल्हा जलना भी मुश्किल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं काफी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इन तमाम पीएचई डेली वेजर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक फरमान और जारी किया गया है कि अब इन तमाम डेली वेजर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी, इसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस फरमान को लेकर इन तमाम पीएचई डेली वेजर्स का क्या कहना है। इस समय हम नट इलाके में मौजूद
मौजूद हैं और नड इलाके में यहां पर एक मेजॉरिटी तमाम पीएचई डेली वेजेस की देखी जा सकती है, जो अपने हकों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अपने कान बंद कर बैठा हुआ है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं की जा रही। तो अगली रणनीति आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो तमाम पीएचई डेली वेजेस आप 22 तारीख को एक घेराव करने जा रहे हैं डिपकॉम का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और वाकई में कोई संज्ञान नहीं है। 177 दिन आज आपको हड़ताल पर बैठे हो चुके हैं और एक फरमान जारी कर दिया गया कि अब आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे, आपकी सुबह शाम की हाजिरी जो वो लगेगी, अगर आपकी एबसेंट होगी तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, इसको लेकर भी जानने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया ऋषि जी, पहले तो मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारे गरीब वर्करों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आपने जो पूछा है कि 117वां दिन हो गया हमें हड़ताल पर बैठे हुए और सरकार सोई हुई है, गहरी नींद से सोई हुई सरकार है। हम इसको जगाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, जितने प्रदर्शन हमने किए शायद ही कोई पीएचई का डिपार्टमेंट कोई बिना कोई कर सकता होगा। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि डिपकॉम जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जल्दी से जल्दी हम अपना मसला आपका हल कर देंगे, और उन्होंने आज 2 महीने हो गए वो मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और सरकार और ये डिपकॉम जी हमारे पीठ पर छुरा मारा हुआ है, इन्होंने हमें गुमराह किया है। इन्होंने इसको इनको बताने के लिए हम 22 तारीख को हम डिपकॉम का घेराव करेंगे, उनको बताएंगे कि पीएचई वर्कर क्या कर सकते हैं। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना एक ऐसा सलाब आने के लिए आ रहा है। आगे की जो रणनीति होगी डिपकॉम के बाद जो रणनीति होगी बहुत बड़ी होगी, इसको सामने का मौका सरकार को बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जानना चाहता हूं ना कि यहां पर आपको कई आश्वासन दिए गए, आपने हर तरह की रणनीति अपनाई, आपने बड़े से बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन आपको बदले में लाठियां मिली, और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर भी आपने लगातार बात की कि भाजपा हमारा मसला हल कराएगी, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो पा रहा। कमेटी उन्होंने भी बनाई थी, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, कितना क्राइसिस आपको फेस करना पड़ रहा है? भाजपा सरकार को क्या कहें, भाजपा सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी सोई हुई है। कमेटी अगर करना चाहती थी तो आज तक वो कमेटी अपना काम कर सकती थी, और कमेटी ने बिल्कुल काम नहीं किया है। हम सरकार को और भाजपा सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आप इलेक्शन से पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, अगर आप रेगुलेशन पॉलिसी दोगे हम आपको कंधे में बिठाकर पूरे जम्मू का फेराव कराएंगे। अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आपको लखनपुर के पार्क पहुंचाएंगे, ये पीएचई वर्करों का वादा है, और हमने कसम खाई हुई है एक वोट नहीं डालेंगे अगर इन्होंने हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो। क्या आपकी कोई ऐसी जम्मू में कोई बात हुई है, आपकी जो यूनियन जम्मू में बैठी है, कि डिपकॉम सर से कोई ऐसा इसके ऊपर कोई चर्चा हो रही है कि नहीं घेराव करने से पहले इसको लेकर कोई काम किया जाए? हाँ, आज उनके साथ मीटिंग हुई है डिपकॉम के साथ, हमारे सेंट्रल बॉडी के साथ, और परसों भी उन्होंने बुलाया हुआ है। अगर कोई मसला हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 22 तारीख को एक जन सलाब आने के लिए आ रहा है, और जो डिपकॉम को समझने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हमारी सर स्पष्ट आप चेतावनी है, और सरकार को हम जब बताना चाहते हैं, एलजी सरकार को हम जब बताना चाहते हैं, आप जो भी करना है कर लीजिए, ये गरीब वर्कर गिरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, मर जाएंगे बिल्कुल डरेंगे नहीं ये, और जो कहेंगे वो करेंगे, और आपने जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन 177 दिन एक लंबा वक्त गया है, आप 177 दिन में क्या कुछ आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, घरों को लेकर बात कर लें, बच्चों के स्कूल फीस को लेकर बात कर लें, घरों पर चूल्हे तक जो वो कई ऐसे डेली वेजेस के घरों पर जल नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे? एक बड़ा एक संघर्ष आप कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा। अभी भी हमारी 2-3 महीने की तनख्वाह बकाया पड़ी हुई है, जो इन्होंने देनी थी वो नहीं दी है उन्होंने। हम अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, कहां से लाएं? अभी दिसंबर की नवंबर की तनख्वाह वो भी आज तक रिलीज नहीं हुई, 15 तारीख हो गई, कैसे चूल्हा चलाएंगे जी, कैसे खाना खाएंगे जी? जे गरीब वर्कर हैं, इनको दूध लेने के लिए पैसे नहीं है, राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को हमारे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, शर्म आनी चाहिए एलजी सरकार को, जो हमारे इन गरीबों को सता रहे हैं। और इनको हम जो बताना चाहते हैं, आप जितना जो करना है कर लीजिए, जितना दबाव हमारे ऊपर डालेंगे हम उतना उठने की कोशिश करेंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी बिल्कुल ही नहीं होगी हमारी। लेकिन एक चीज इसके साथ साथ जानना चाहूंगा कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी अनिवार्य कर दी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? बायोमेट्रिक का हम स्वागत करते हैं, जो सरकार ने हमारे पर बायोमेट्रिक लगाई है,
हम उनका स्वागत करते हैं, हम बायोमेट्रिक लगाने वाले हैं, हम ड्यूटी देते हैं, हम ऐसे डरने वाले नहीं है, भागने वाले हम चोर नहीं है कि ड्यूटी नहीं देते हैं, हम ड्यूटी देते हैं, हम बायोमेट्रिक लगाएंगे। हम सरकार को ये प्रावधान भी करना चाहिए कि स्टेशन बाय स्टेशन पर हमारी जो मशीन है वो लगानी चाहिए, वाईफाई इनको लगाना चाहिए, नेट की सुविधा इनको करनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो हम बायोमेट्रिक लगाएंगे, अगर ये सुविधा नहीं दे सकते तो हम कैसे कराएंगे, कैसे लगाएंगे बायोमेट्रिक, हम नहीं लगा सकते। अगर ये मशीनें दे सकते हैं तो हम बिल्कुल लगाएंगे, और इसके बिना अगर हम लास्ट चेतावनी देते हैं 22 तारीख को हमारा ग्राब होने के लिए जा रहा है दिव काम की का, और 19 तारीख को सांबा में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है, वहां पे 19 तारीख को डीसी ऑफिस में हमारा प्रोग्राम होगा। ये हमारे आपके माध्यम से हम जितने भी हमारे सांबा के डेली वेजर वर्कर हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि 19 तारीख को ठीक 10 बजे हमारे डीसी ऑफिस में पहुंचिए और वहां पे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल रंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है, अब तो हद ही हो गई, 177 दिन से आप लगातार हड़ताल पर है, हर एक स्टेशन को लेकर बात करें तो आपके एक अंदर एक यूनिटी आपकी देखी गई है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, घर वापसी तभी होगी जब आपको ये तमाम रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपके हाथ में आएगी, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह का अड़ील रवैया प्रशासन अपना रहा है? कहा गया था कि कमेटी आपको रिपोर्ट देगी, उसका हल होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग रहा आपके। शुक्रिया ऋषि जी, जेके मीडिया का हम शुक्रिया करते हैं। ऋषि जी, आपने जो सवाल पूछा है कि हमारे 177 दिन से जो स्ट्राइक हमारी चल रही है, स्ट्राइक तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन हम ये आपके माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टाइम दिया था 15-20 दिन का डिवकॉम साहब ने कि 15-20 दिन में आपका मसला हल होगा, जो जिसमें हमने कंपनी बाग बंद किया था। हम ये नहीं चाहते कि दोबारा कोई कंपनी बाग बने और दोबारा पानी बंद की नौबत आ जाए और हम सड़कों पर दोबारा आएँ। हम यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा किया जाए, रेगुलर पॉलिसी दी जाए, क्योंकि हमें पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारा भविष्य खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे अब बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें दो तीन महीने की बेसिस भी नहीं मिली है, क्योंकि 15 नवंबर हो गया, आज तक नवंबर की बेसिस नहीं मिली है, दिसंबर भी हो गया 15, लेकिन हम फिर भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, बच्चों के लिए दूध ला रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, सारे परेशान हैं। और रही बात जो आपने बायोमेट्रिक की बात की, हम उसका वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा स्टेप है, हम भी चाहते हैं कि हमें हमारी शनाख्त पता चले कि कौन काम कर रहा है, कौन घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रावधान करना पड़ेगा, मशीनें लानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नेट ही नहीं है, जहाँ एरिया में जहाँ जो पापड़ है, जमोड़ा है, गंगेरी है, जहाँ लोग जो हमारे पीएचई डेली वेजर हैं जो काम कैसे करेंगे, वो अंगूठा कहाँ लगाएंगे। नाड में अगर हमारा जो मेन स्टेशन है जहाँ पर आएंगे तो 6-6 किलोमीटर उनको पैदल आना पड़ेगा, पूरी दिहाड़ी तो आने जाने में हो जाएगी, तो वो कैसे वो अंगूठा लगाएंगे, फिर तो अंगूठा ही लगेगा, पानी तो सप्लाई होगी नहीं। अगर पानी की सप्लाई ये चाहते हैं, अगर पानी सप्लाई देनी है तो फिर जहाँ अंगूठा लगे या पानी की सप्लाई हो, एक ही बात हो सकती है। और हम चाहते हैं कि ये प्रावधान हो और हमारे से शनाख्त हो, हमें पता चले कौन काम कर रहे हैं, उसके लिए मशीनें चाहिए, उसके लिए वाईफाई चाहिए, नेट चाहिए, ये सरकार अच्छी भली भांति जानती है। बाकी हमारे राकेश जी ने आपको बोला कि 19 तारीख को सांबा में सोमवार को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और अवेयरनेस करेंगे अपने साथियों को कि हम जम्मू जा रहे हैं 22 को, डीवकॉम साहब का घेराव है। और जैसे अभी राकेश जी ने बोला कि एक मीटिंग उनके साथ हुई है परसों, फिर हम चाहते हैं कि 22 से पहले हमारा मसला हल हो जाए, हमें पॉलिसी दी जाए, कुछ ना कुछ हमें दिया जाए और हमें अपना प्रोग्राम जो खत्म करें। लेकिन जानना चाहूँगा ना कि आपने इतनी हड़ताल कर दी, 177 दिन आपने कई बड़े अधिकारियों का भी घेराव किया होगा, भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है, लेकिन हर एक चीज़ को यहाँ पर जो एक लाइटली लिया जा रहा है, इनका जो रवैया देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भाजपा वाले पता नहीं क्या समझते हैं, को बोलते हैं कि हम 50 पार हो जाएंगे, अगर डेली वेजर को परमानेंट नहीं करें 61 जहाँ डेली वेजर है, ये पता नहीं इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है बात की 61 जहाँ डेली वेजर हमें वोट नहीं करेगा तो हम 50 पार कैसे करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि हमें 50 पार चाहिए तो डेली वेजर का पहले इनको काम करना पड़ेगा, डेली वेजर के काम करने के बिना, क्योंकि 61,000 फैमिलियों का मसला है। अगर ये हमारे परमानेंट, हम जैसे हमारे राकेश जी ने बोला कि कंधे पर बिठा के इनको घुमाएंगे पूरे जम्मू में, अगर नहीं किया तो 5 बार भी नहीं जाएंगे, इनको समझना चाहिए। यानी ये आपकी तरफ से क्लियर है कि पॉलिसी लेकर ही जाएंगे, इसके बिना नहीं जाएंगे, पॉलिसी के बिना घर वापसी नहीं, हमारी बच्चों के लिए हमारा भविष्य खत्म, हमारी जवानी सारी चली गई है, लड़ा हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारी पॉलिसी बिना घर वापसी नहीं होगी। ये मेरा तो यहाँ पर पीएचई डिलीवरी ने साफ तौर पर एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि पॉलिसी लेकर ही घर वापसी करेंगे, रेगुलराइजेशन पॉलिसी इनको चाहिए और उसी को लेकर ये लगातार जद्दोजहद की जा रही है। 177 दिनों से लगातार ये हड़ताल पर है, हालांकि ये काम भी कर रहे हैं लेकिन इनके काम का जो इनको हक है वो नहीं मिल पा रहा है, और उसी को लेकर अब एक चेतावनी दोबारा से जारी कर दी है कि आने वाली 22 तारीख को डिपकॉम जम्मू का घेराव होगा और उससे पहले 19 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने
करने जा रही है इनकी सांबा में, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं रणनीति इनकी तरफ से लगातार तैयार की जा रही है, लेकिन न जाने ऐसा क्या है जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि एक तरफ जो कमेटी डिपकॉम साहब ने बनाई उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं। भाजपा ने दावा किया था कि हम कमेटी की रिपोर्ट जल्द सौंपेंगे, अभी तक कोई रिपोर्ट भाजपा की सामने नहीं आई है। भाजपा को भी लगातार करारा जवाब है कि इलेक्शन में आपकी हालत जो है वो हम बद से बदतर कर देंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन को लगातार चेताया जा रहा है कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमें दे दीजिए, हमें मजबूर ना करें बड़े प्रदर्शन करने के लिए। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। उसी को लेकर एक बार फिर से पीएचई डेली वेज ने चेतावनी जारी कर दी है जम्मू कश्मीर प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।